एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात चली। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले इस मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी 18 जुलाई को मोदी सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उधर विपक्ष भी संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। 18 जुलाई को ही कांग्रेस सांसदों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसे खुद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। इतना ही नहीं, संसद के भीतर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ भी संपर्क साध रही है। लेकिन उससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पीएम मोदी के साथ हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक पंडितों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पीएम मोदी और पवार की मुलाकात पर अटकलों का बाजार गर्म होना भी लाजमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में चल रही सियासी उठापटक के बीच ये मुलाकात हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी भविष्य को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों ही शरद पवार को विपक्ष की ओर राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की खबर आई। हालांकि इस खबर को लेकर शरद पवार ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि मैं राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनूंगा। मुझे पता है कि जिस पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद है, उसे देखते हुए क्या नतीजा होगा। इतना ही नहीं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी पवार के साथ कई बार मुलाकात कर चुके हैं। सियासी जानकारों की माने तो विपक्ष अभी से ही 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटा है और इन बैठकों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। खबर है कि विपक्ष 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरे की खोज कर रहा है, ताकि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव न जीत पाए। जाहिर है, अगर विपक्ष की ये कोशिश रंग लाती है तो जाहिर है कि बीजेपी को हराने की मुहिम में प्रशांत किशोर की रणनीति की अहम भूमिका रहेगी। लेकिन पीएम मोदी और पवार की इस मुलाकात के बाद फिलहाल विपक्ष की उस मुहिम की हवा निकलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।